नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसकी एनालिसिस करेंगे। तो फाइनली यहां पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो है बहुत अच्छी मूव दी है और यहाँ पर जो कैंडल बिल्कुल यहाँ पर क्लोज की है, देखिए ऊपर से बिल्कुल सेलिंग प्रेशर नहीं है जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है अपने पास। मीन्स हम कह सकते हैं कि अभी हम आने वाले दिनों में बुलिश ही हैं। देखिए कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को हम ऑलरेडी हम जो है ऊपर की तरफ हम ब्रेक करके क्लोज कर चुके हैं और ये जो कैंडल हम यहाँ पर देख रहे हैं कल एक डोजी टाइप की कैंडल बनी थी, हैमर टाइप की कैंडल हम कह सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्लियर कट व्यू था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन जैसे नीचे की तरफ ब्रेक होगी तो हम वहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे या फिर हम 35,000 की ऑप्शन को हम राइट करेंगे। बट मैंने एक चीज और बताई थी कि जब हम ऊपर की तरफ अगर हम इसका हाई ब्रेक करते हैं तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर कट बाइंग के लिए जाने वाले हैं। लेवल मैंने आपको बताया था 35,000 की क्लोजिंग के ऊपर, तो जैसे ही 35,000 की क्लोजिंग के ऊपर बैंक निफ्टी निकली है तो यहां पर देखिए 35,400 के आसपास का यहां पर आज हाई लगा है। तो चलिए चलते हैं यहां पर पहले 5 मिनट के चार्ट में। देखिए मैंने आप लोगों को एक मैंने चार्ट टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस चार्ट को देखकर बहुत ही अच्छे पैसे आज बनाए होंगे। तो फाइनली देखिए मैंने आप लोगों को एक चार्ट मॉर्निंग में पोस्ट किया था, वो चार्ट देखिए कुछ इस तरह से था। ये मैं आपको दोबारा एनालिसिस करके यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो ये चार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था। अब ये चार्ट ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको एक एरो मैंने बनाकर दिया था ऊपर की तरफ और एक एरो मैंने बनाकर दिया था नीचे की तरफ। मीन्स अगर ये ऊपर का लेवल इस तरह से बनाकर दिया था और एक जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे मैंने बनाकर दिया था और मैंने बताया था कि देखिए जिस तरफ भी ब्रेक करे, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमको यहाँ पर बायर बन जाना है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमको सेलर बन जाना है। फाइनली देखिए हमने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हम कहीं पर भी रुके नहीं और यहाँ पर कंटिन्यू देखिए हम ऊपर की तरफ निकलते चले गए। उसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज और यहां पर बताई थी, एक ट्रेंड लाइन हमारे पास यहां से आ रही थी। अब यहां पर हमको ये टारगेट मिलने के बाद, मींस जो हमारा आज का डे हाई लगा हुआ था, ये टारगेट मिलने के बाद मैंने अगेन मैंने बताया आप लोगों को कि यहां पर जो है 34,000 हम 600 के ऊपर अगर क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे तो हम यहां पर एक बहुत बड़ी मूव के लिए तैयार होने वाले हैं। तो देखिए फाइनली मैं टेलीग्राम चैनल में जो भी मेरी पर्सनल एनालिसिस होती है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आपने अगर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है और आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर देखिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं कंटिन्यू इंट्राडे की कॉल्स देता रहता हूं। देखिए आज थोड़ा मुझे फीवर था, मुझे कल से थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, सो आज पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाया, बट मैं जो भी मतलब 2 घंटे सवेरे मॉर्निंग में ट्रेड किया था और उसमें अपना जो है मतलब अपना प्रॉफिट लेके निकल गए थे। और फाइनली देखिए उसके बाद मैंने अपने ऑप्शन ग्रुप में भी कॉल दी थी, दो या तीन कॉलें दी थी और तीन की तीन कॉलें बहुत अच्छी चली, जो किसी ने 1:7 भी दिया, किसी ने 1:3 भी दिया, किसी ने 1:5 भी दिया। तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर देखिए आप लोगों को इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में ऐड किया जाता है और वहां पर जो मैं कॉल्स में पर्सनल ट्रेड करता हूं वो कॉल्स में आप लोगों को देता हूं इंट्राडे सपोर्ट ग्रुप में, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमको कल को ट्रेड करना है। तो फाइनली देखिए हमने जो कल अपना ट्रेड का प्लान बनाया हुआ था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी हमारे पास और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ का हम ट्रेड लेने के लिए हमारा ऐसा प्लान था। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो अगला सपोर्ट हमारे पास ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर है। तो फाइनली देखिए इस अब मैं देखिए 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो एनालिसिस मैं डिलीट कर देता हूँ, जो एनालिसिस मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में करके बताई थी वो एनालिसिस मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ और बाकी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो अगला सपोर्ट हमारे पास नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। चलिए अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ये जो देखिए मैंने कहाँ से ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से पकड़ी है और यहाँ से ड्रॉ की है। तो फाइनली देखिए यहाँ से हम नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुए और यहाँ पर इसके पास आकर हमने रेड कलर के ट्रेंड लाइन के पास हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मैंने आप लोगों को यहाँ से एक पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाकर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करके बताया कि ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग करना है, नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा टारगेट ये जो प्रीवियस डे का लो था, मीन्स हमारा ये जो टारगेट हम कह सकते हैं 33,600 और 700 के आसपास का, तो हम ऊपर की तरफ निकले और देखिए और ऊपर की तरफ भी क्या निकले, हम यहाँ पर 1100 पॉइंट्स की मूव हमने यहाँ पर कैप्चर की। देखिए मैंने जो ये आपको पैटर्न दिया था ये दिया था 34,280 के आसपास, मीन्स 34,300 के आसपास हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 34,300 से हम जो गए हम यहाँ पर 35,400 के आसपास गए, मतलब हम 1100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हमने यहाँ पर कैप्चर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस एनालिसिस से बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कल की, कल किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेड करना है, कल की हमारी एनालिसिस क्या होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये अभी सबसे मेन ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को अभी एक नीचे की ट्रेंड लाइन ले लेते हैं और एक यहाँ पर हम ये दूसरी ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर के लिए ट्रेंड लाइन। तो ये दो ट्रेंड लाइन अब
हमारे पास आ चुकी हैं। और फाइनली देखिए, जब हमने 2 बजे के बाद जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो उसके बाद हमने एक बहुत अच्छी मूव देखी। अब देखिए करना क्या है, हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, एक ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों के लिए और यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और ये ट्रेंड लाइन होगी ये वाली, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब सेम देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, हमने यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, तो यहाँ इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेकर हम बाउंस बैक हुए। कल भी देखिए, हमारा प्लान यही होना चाहिए, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं या मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होती है तो इसी रेड कलर की ट्रेंड लाइन के आसपास आकर हम यहाँ पर बाउंस बैक हो सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर कट बाइंग जोन है। अगर इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के पास आपको मार्केट मिलती है तो बिल्कुल यहाँ पर बाइंग करिए। अब देखिए, गैप अप ओपनिंग में प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पर, और गैप डाउन ओपनिंग में तो ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी है। देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर पेशेंस होती है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसका प्रॉपर एक स्टॉप लॉस वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस इसका क्या होगा, और उस ट्रेड में कंटिन्यू बने रही है। मैंने टेलीग्राम चैनल में एक MTM भी मैंने पोस्ट किया अपने एक स्टूडेंट का, जिसने देखिए 24 में लेकर ऑप्शन में 24 में बाइंग करी और 128 में जो है सेल करा। तो देखिए पेशेंस होती है, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है, आप हर एक ट्रेड जो है एक बार बाइंग करेंगे फिर तुरंत सेल कर देंगे, बाय किए तुरंत सेल कर दिए 2 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए, उसमें मजा नहीं। देखिए कम से कम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर आपके फेवर में होना चाहिए। जब तक आपको 1:1 या 1:2 1:3 नहीं मिल जाता तब तक आपको ट्रेड नहीं काटना होता है, आपका स्टॉप लॉस जाता है, जाने दीजिए कोई बात नहीं। देखिए वहाँ पर क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपका एक स्टॉप लॉस जाएगा और आपका एक ट्रेड भी चल गया तो आपके 2-3 स्टॉप लॉस जो है कवर कर देगा। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में, निफ्टी की भी एनालिसिस हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर फाइनली मैंने 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और आप लोगों को निफ्टी की एनालिसिस भी करके बता देता हूँ। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है नीचे की तरफ, तो इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं। अब देखिए हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं हम तब तक बुलिश हैं, जब तक हम ब्रेक नहीं करते तब तक हम यहाँ पर बीयरिश का ट्रेड नहीं लेंगे, मीन्स हम सेल साइड के लिए नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन मैं और यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर एक चैनल पैटर्न बनता हुआ, तो ये एक चैनल पैटर्न हमको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। अब यहाँ पर देखिए हम एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग किस तरह से ट्रेड करना बता देता हूँ। फ्लैट ओपनिंग में अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो अगर उस फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, फ्लैट ओपनिंग में आप रहने दीजिए। बट अगर आप फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर आपको इस लेवल पर मिलता है ऊपर वाले चैनल पर तो यहाँ पर सेल करिए, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की तरफ जाता है और लोअर चैनल पर मिलता है तो बाइंग करिए। अब बाइंग और देखिए गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग, मान लीजिए यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो 14,890 के आसपास आई है, यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद यहाँ पर आपको अपर ट्रेंड लाइन पर मिलता है तो सेलिंग करना है, और गैप डाउन ओपनिंग में यहाँ पर लोअर ट्रेंड लाइन पर मिलता है तो आपको जो है यहाँ पर बाइंग करना है। अब देखिए जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक बुलिश है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे हम यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, और वो गिरावट में भी देखिए 2 दिन का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट लेकर चलेंगे, ये हमारा टारगेट होगा। अगर हम मेन ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं, इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो ये चैनल नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो देखिए यहाँ जो लो बना हुआ है देखिए 14,810 का, तो 14,800 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा क्लियर कट टारगेट यहाँ पर 14,500 के आसपास होने वाला है। बट अगर ये चैनल हम ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तो हमको अगेन एक रॉकेट मूव देखने को मिलेगी, जैसे आज हमको 2 बजे के बाद बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में और इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर पहले बैंक निफ्टी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे स्टॉक्स आ गए। तो देखिए अब हम आ गए हैं एक्सिस बैंक के चार्ट में, और यहाँ पर वनडे का चार्ट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी जो एक चैनल बन रहा है, और इस चैनल को देखिए अब हम बिल्कुल अपर चैनल पर हैं, अपर चैनल मीन्स मतलब जो चैनल बना हुआ है उसके ऊपर वाले ट्रेंड लाइन पर हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि 750 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए, 750 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, और सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया था 700 के नीचे की क्लोजिंग। तो 750 के ऊपर अगर हम यहाँ पर निकलना शुरू हो गए और ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पर 775 और 800 का होगा, पोजिशनल ट्रेड में बता रहा हूँ। बट 750 के ऊपर अगर इंट्राडे के लिए आप जाना चाहते हैं तो 760 के आसपास यहाँ पर टारगेट बुक कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक के लिए देखिए क्लियर कट आपको बताया हुआ है मैंने कि 350 से 355 के बीच में एक हर्डल है, जब तक ये हर्डल नहीं निकालता तब तक हमको यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देखना है। अब मे भी देखिए जब 355 के ऊपर क्लोजिंग हमको दे देगा तो टारगेट हमारा यहाँ पर 370 के आसपास का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने देखिए यहाँ पर जो पैटर्न बनाया था कल, इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया था, और मे भी देखिए आज यहाँ पर अगर ये एक्टिव होता तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त मूव होती। तो इसके लिए इस पर जो है आप कल नजर बनाकर रखिएगा, कल यहाँ पर मे भी एक बहुत जबरदस्त मूव
हो सकती है। देखिए 1585 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए जाइए, 1600 और 1625 पे हमारा यहाँ पर टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए यहाँ पर जैसा मैंने कल बताया था कि मे बी ये नीचे की तरफ आ सकता है इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए, मीन्स यहाँ पर रीटेस्ट हो सकता है। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है बट यहाँ पर अगेन बाउंस बैक हुआ है। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग के लिए देखना ही नहीं है, अब हमको बिल्कुल ऊपर के लिए जाना है। 632 रुपये के ऊपर निकलता है तो 640 और 650 रुपये के टारगेट के लिए इंट्राडे में हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में मैंने देखिए आपको बताया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूव हुई है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मतलब यहां पर नीचे आने दीजिए या फिर रीटेस्ट होने दीजिए अगर आपने बाइंग करनी है तो। अब देखिए यहां पर रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट होने के बाद देखिए एक डोजी कैंडल बनी है। जब इस तरह के पैटर्न फॉर्म होते हैं तो समझ लीजिए एक बहुत जबरदस्त मूव होने की तैयारी होती है। अब यहां पर देखिए अब क्लियर कट 1050 के ऊपर निकलता है तो बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। टारगेट 1080 और 1100 का होगा इंट्राडे के लिए। आज देखिए जो स्टॉक चला है वो चला है कोटक बैंक। कोटक बैंक के लिए देखिए मैंने बताया था 1900 के ऊपर की क्लोजिंग और फाइनली देखिए यहां पर देखिए मैं रिस्की ट्रेडर्स को मैंने बताया था कि 1885 के ऊपर आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं 1900 और 1910 रुपए के टारगेट के लिए। तो जो रिस्की ट्रेडर्स होंगे उनके तो आज दोनों टारगेट आ गए, 1900 का भी आ गया और 1910 का भी टारगेट आ गया क्योंकि कोटक बैंक ने आज जो हाई लगाया वो 1915 का लगाया। और जो सेफ ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने 1900 के ऊपर की यहां पर इंट्राडे में ट्रेड किया होगा उनको भी 1915 का टारगेट मिला, पहला टारगेट मिस अचीव हुआ जो यहां पर हाई लगाया 1915 का। कल देखिए यहां पर 1915 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहां पर कल हमारा बिल्कुल क्लियर कट टारगेट जो होगा वो 1940 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को यहाँ पर बाय करना है 262 रुपए के ऊपर, टारगेट हमारा यहाँ पर 272 रुपए के आसपास है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यू यहाँ पर जबरदस्त मूव देते चले जा रहा है। यहाँ पर जो क्लोजिंग दिखी मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, बैंक निफ्टी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों का चार्ट मैंने बताया था कि यहाँ पर सिमिलर चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक बड़ी मूव हुई, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और एक डोजी कैंडल बनी। सेम यही चीज कल बैंक निफ्टी में भी हुई थी। आपने रिजल्ट देखा कि बैंक निफ्टी भी आज देखिए इस तरह की कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने भी और यहाँ पर स्टेट बैंक इंडिया में भी आपको इसी तरह के सेम कैंडल देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि 340 के ऊपर निकलेगा तो 350 रुपए के टारगेट के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं, बट आज हमको जो यहाँ पर टारगेट मिला वो 358 का टारगेट मिला है। अब देखिए जब भी इस तरह के पैटर्न ब्रेक होते हैं मीन्स असेंडिंग चैनल जो होते हैं जब भी ऊपर की तरफ ब्रेक होते हैं देखिए ये मोस्टली क्या होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है और ये मोस्टली केसेस में ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है। बट जब भी ये बहुत रेयर केसेस में ऊपर की तरफ ब्रेक होता है और जब भी ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमको यहाँ पर एक रॉकेट मूव देखने को मिलती है। कल अगेन यहाँ पर तैयार रहिएगा 358 के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट मे बी 370 और 375 के आसपास हो सकता है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज एक्सपायरी डे में आप लोगों ने आज बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। जो चार्ट मैं आप लोगों को पोस्ट करता हूँ आप चार्ट आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, अगर उसमें कोई इशू है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए और नई क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद जय माता दी।